अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अरेबियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। अरेबियन राइस की रेसिपी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, एक गिलास चावल जो कि मैंने पानी में भिगोए हुए हैं, इन्हें मैं नमक डाल के बॉयल कर लूँगी, जूलियन कटिंग में की हुई चिकन हाफ के जी, दो दरमियाने प्याज बारीक बारीक चॉप किए हुए, हरी मिर्चें 6 से 7, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, फूड कलर किसी भी कंपनी की केचप 1 टेबलस्पून, वर्सटरशायर सॉस 1 टेबलस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, लौंग 6 से 7, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून, ऑयल 6 से 7 टेबलस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून। सबसे पहले हम चिकन में वोस्टर सॉस डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे, पिसी हुई काली मिर्च, केचप और लहसुन अदरक की पेस्ट। इन सब को डालकर हम अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, आधे घंटे के बाद हमारी चिकन, अब हम इसे कुक करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे जो कि बारीक बारीक चॉप किए हुए हैं। प्याज को आपने गोल्डन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। ये देखिए, हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन डाल लेंगे। इसको मिक्स कर अच्छी तरह मिक्स कर इसको कवर कर 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, 15 मिनट के बाद हमारा चिकन तैयार हो गया है। मैंने इसे कढ़ाई में डाल लिया है और अब इसके ऊपर मैं राइस जो कि मैंने नमक डाल के बॉईल किए थे वो डाल लूंगी। अब मैं इसके ऊपर लौंग डालूंगी। पिसा हुआ गरम मसाला, फूड कलर जिसको मैंने पानी डाल के ऐड कर लिया है, इसको कहीं कहीं डाल दूंगी। और हरी मिर्चें, और इसे कवर कर 5 मिनट के लिए रख दूंगी। ये देखिए, 5 मिनट के बाद हमारे राइस तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी।
ये बहुत मज़े के बनते हैं, इसे बच्चे भी खा सकते हैं और बूढ़े भी, क्योंकि ये स्पाइसेस नहीं होते। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।